नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके साथ भरवा मिर्ची की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों यह रेसिपी आप ट्राई जरूर कीजिएगा, यह इतना बनाने में इतनी इजी है और आपके खाने के स्वाद को बहुत ही बढ़ा देने वाली है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने भरवा मिर्ची बनाने के लिए 250 ग्राम कम तीखे वाले मोटे मिर्चे लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से साफ पानी से धो करके सुखा लिया है और इसमें हम बीच से एक चीरा लगा देते हैं। इसी तरह सभी मिर्चियों में चीरा लगाकर हम इसे साइड में रख देते हैं और अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने गैस पर एक पैन को हीट कर लिया है और उसमें एक बड़ा चम्मच हमने तेल डाल लिया है। सरसों का तेल यहाँ मैंने यूज़ किया है, आप जो भी तेल पसंद करते हैं उसे आप यूज़ करें। और यहाँ पर हमने एक बड़ा चम्मच बेसन लिया है और थोड़ा सा और ले लिया है और इसको हम धीमी आंच पे कलर बदलने और खुशबू आने तक भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन भून गया है और इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है और इसमें खुशबू भी अच्छी आ रही है। और अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी मिला दिए हैं और आधा छोटा चम्मच हमने अजवाइन डाल लिया है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है और 2 चम्मच हमने कूटी हुई मोटी सौंफ को डाल लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च डाला है और 1/4 चम्मच हींग डाल लिए हैं और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड किए हैं और आधा छोटा चम्मच काला नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और 1 चम्मच सफ़ेद नमक यूज़ किए हैं और ये 1 बड़ा चम्मच हमने आमचूर पाउडर डाला है और थोड़ा सा और डाल लिया है। ये मसाला आमचूर पाउडर है, इसको हमने घर पर तैयार किया है, इसका वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करके प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब हम मसालों के ठंडा हो जाने के बाद उंगलियों की हेल्प से दबाते हुए सभी मिर्चियों को भर लेते हैं। और फिर से हमने गैस पर एक पैन हीट कर लिया है, 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तेल को बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे हम तेल कम यूज़ कर रहे हैं, तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें सभी स्टफ्ड मिर्चीज को आराम से एडजस्ट कर देते हैं और लीड लगा के हम इसे 2 मिनट पकने देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे बहुत ही इजीली टोंग की हेल्प से टर्न कर लेते हैं और दूसरी साइड भी थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे और फिर से लिड लगा के हम इसे 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिए और फिर से आप इसे जिधर देखें कि नहीं अभी ठीक से पका है तो उधर फिर से इसे पलट दें। और अब हम बिना लीड लगाए ही इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इस पूरे प्रोसेस में हमने गैस फ्लेम लो टू मीडियम ही रखा है। अब हमारी मिर्ची बन करके तैयार है, इसे हमने प्लेट में सर्व कर लिया है। इसे आप पूड़ी, पराठे, चावल, दाल या किसी भी खाने में साइड डिश के रूप में सर्व कर सकती हैं। ये निश्चित रूप से आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देगा। यकीन मानिए अगर आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगी तो आप इसे बार बार बनाना प्रेफर करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, घर का खाएं, स्वस्थ रहें। बाय बाय।